आज हम फार्माजेट नीडल फ्री इंजेक्शन तकनीक से इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना सीखेंगे। यह इंजेक्टर ज़ाइकोव डी वैक्सीन देने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस ट्रेनिंग के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी: फार्माजेट डिवाइस, फिलिंग अडैप्टर, नीडल फ्री सिरिंज, वैक्सीन वायल्स, प्रैक्टिस करने के लिए रबर बॉल, हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंजेक्टर को इंजेक्शन देने के लिए तैयार कर पाएंगे, सिरिंज में सही तरीके से वैक्सीन लोड कर सकेंगे, तैयार इंजेक्टर में भरी हुई सिरिंज को लोड कर पाएंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे सकेंगे और इंजेक्शन वेस्ट को ठीक तरह से डिस्पोज करना भी सीखेंगे। ज़ाइकोव डी टीकाकरण के लिए आपको सभी लॉजिस्टिक्स बंडलिंग के अनुसार मिलेंगे, यानी प्रत्येक वैक्सीन वायल के साथ एक अडैप्टर और एक पैकेट नीडल फ्री सिरिंज। हर टीकाकरण सत्र पर एक फार्माजेट इंजेक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। याद रखें कि ज़ाइकोव डी वैक्सीन को केवल इस इंजेक्टर के द्वारा देने की ही अनुमति है। इस कार्य को हम चार चरणों में सीखेंगे। सबसे पहले अपना मास्क ठीक तरीके से पहन लें और हाथों को धो लें या अच्छे से सैनिटाइज कर लें। पहला चरण, इंजेक्टर को उठाएं और इसके आगे वाले हिस्से को ध्यान से देखें। इंजेक्टर पिन आपको अभी बाहर निकली हुई दिखेगी। इंजेक्टर के पिछले हिस्से पर लगे हुए हरे बटन को दबाकर इसे पूरी तरह खोलें। अब इंजेक्टर के दोनों हैंडल्स को दबाएं, जिससे ये बंद हो जाएगा। बंद होने पर इंजेक्टर पिन अंदर हो जाएगी। अब आपका इंजेक्टर इंजेक्शन देने के लिए तैयार है। दूसरा चरण, अब वैक्सीन वायल को वैक्सीन कैरियर से बाहर निकालें और उसकी कैप को हटाकर डिस्कार्ड कर दें। वैक्सीन वायल पर डेट और टाइम लिखना सुनिश्चित करें। एक नए अडैप्टर को उसकी पैकिंग से निकालकर तैयार कर लें। अब नीडल फ्री सिरिंज के कवर को हटाएं और उसे भी डिस्कार्ड करें। सिरिंज के इस भाग को अडैप्टर के साथ जोड़ें और ठीक से फिट करने के लिए क्लॉकवाइज दिशा में हल्के से घुमाएं। अब अडैप्टर के स्पाइक पर लगी कैप को हटाएं और इसे डिस्कार्ड करें। ध्यान रहे कि स्पाइक बहुत नुकीला है, इसे ना छुएं। अब स्पाइक को वायल की रबर सील के बीचों बीच घुमाकर अंदर की ओर धकेलें, जब तक कि वह पूरी तरह वायल पर फिट ना हो जाए। हर वायल के लिए एक नया अडैप्टर इस्तेमाल करें। अडैप्टर की स्पाइक पर बने हुए छेद में से वैक्सीन सिरिंज में प्रवेश करेगी। सुनिश्चित करें कि ये छेद वायल के रबर स्टॉपर को भेद कर वायल के पूरी तरह से अंदर हो। अब वायल को उठाकर उल्टा करें और सिरिंज के प्लंजर को खींचें। यदि सिरिंज में वैक्सीन के साथ हवा के बुलबुले आ जाएं, तो उन्हें सही तरीके से निकाल दें। प्लंजर को तब तक खींचें जब तक उस पर बनी लाल लाइन फिल पॉइंट की लाइन पर नहीं आ जाती। फिल लाइन से कुछ आगे तक खींच लेना ही बेहतर है। वायल को उल्टा रखते हुए प्लंजर के बाहरी हिस्से को गर्दन से तोड़ दें और इस हिस्से को डिस्कार्ड कर दें। तीसरा चरण, अब तैयार किए हुए इंजेक्टर में लोड की हुई सिरिंज को फिट करें। क्लिक की आवाज आने से आपको पता चलेगा कि सिरिंज इंजेक्टर में ठीक तरीके से फिट हो गई है। जब आप सिरिंज को फार्माजेट इंजेक्टर में फिट करेंगे, तो अतिरिक्त वैक्सीन अपने आप वायल में धकेल दी जाएगी और कोई वैक्सीन वेस्ट नहीं होगी। अब सिरिंज को सीधा कर लें और वायल और अडैप्टर को सिरिंज से अलग कर लें। चौथा चरण, इससे पहले कि आप इंजेक्शन दें, सुनिश्चित करें कि वायल के ऊपर एक नई सिरिंज लगाकर उसको सील कर दें। अब इंजेक्टर को उठाएं और पीले बटन को दबाते हुए सिरिंज के अगले हिस्से को
90 डिग्री पर इंजेक्शन साइट पर लगाएं। पीला बटन दबाने पर ही सिरिंज का अगला हिस्सा इस तरह दब पाएगा। अब आप ऊपर वाले हरे बटन को दबाकर इंजेक्शन देने के लिए तैयार हैं। इंजेक्शन देने पर क्लिक की आवाज सुनाई देगी और प्लंजर की लाल लाइन दिखाई देने लगेगी। इंजेक्टर को इंजेक्शन साइट से हटाएं और नीचे बने छोटे हरे बटन को दबाकर यूज की हुई सिरिंज को लाल बैग में डिस्कार्ड कर दें।